गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 9A। में क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सोल्व करने के लिए बताए थे, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे एक बार। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। पी गिवन है आपके पास 15,625 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम और टाइम आपके पास है 3 ईयर। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। देखिए, कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सी ए लिख देता हूँ मैं। कंपाउंड अमाउंट होती है सी ए, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ। कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करते हैं तो पी मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस R/100 की पावर टाइम। ठीक है, ये मेथड होता है आपके पास। तो इसमें आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पी आपके पास है 15,625 मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस R आपके पास 4 है, 4/100, टाइम आपके पास है 3 ईयर। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट है आपके पास 1565। ठीक है, मल्टीप्लाई कैंसिल करते हैं इसको 4 से 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 और 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26/25। कितने टाइम पुट करना है, 3 टाइम पुट करना है, 3 टाइम। ठीक है, अब 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा आपके पास, ये 25 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 के ऊपर जाता है 150, फिर 62 आएगा, फिर 2 के ऊपर जाएगा ये, और फिर आपका आता है 215, फिर 5 के ऊपर चला जाएगा 625। जब आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625, फिर इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, और फिर इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 बन जा 25। ठीक है, 26 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 26 की तो क्या आता है आपके पास 26 मल्टीप्लाई 26, करिए मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या आता है आपके पास 26 और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं 6, 12 और 3 15, 2 5, 6 7 6, और फिर इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 6 3 12 5 4 और 36 40 12 15 13, 6 7 5 7 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है 17,576 रुपीज़। ये आपके पास क्या है, इसकी अमाउंट है। ठीक है, अब आपको कंपाउंड अमाउंट तो आपने यहाँ से फाइंड आउट की है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी सी आई। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, पी को। ठीक है, माइनस करते हैं। देखिए, 17,576 में से 15,625 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, करेंगे माइनस 15,625, माइनस करते हैं 15 में से क्या आ जाएगा 9 और 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाए, इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए आपके पास 1,951। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 4 पार्ट दे रखे हैं, तो पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर फोर में फोर पार्ट गिवन है, क्वेश्चन नंबर फोर में शंकर टेक्स ए लोन 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम आपके पास है 1 ईयर। पार्ट वन में गिवन है आपके पास, पार्ट वन में क्या दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपको वो फाइंड आउट करना है, इट मीन्स सी आई फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर वन का जो पार्ट है इसमें। उसमें तो मेथड पुट करते हैं 10,000 × 1 + 10/100 की पावर टाइम, और इसमें से माइनस कर देंगे 10,000। ठीक है, करते हैं सो 10,000, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपके पास 11/10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा आपके पास 11,000 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं माइनस 10,000, सोल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,000 आ जाएगा, माइनस 10,000 है, ठीक है, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1,000 रुपीज़। पार्ट वन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 1,000 रुपीज़ आ गया। सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला है, यहाँ से फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए फाइंड आउट करना है। ये आपने कितने ईयर के लिए फाइंड आउट किया है, 1 ईयर के लिए। अब आपको सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है 2 ईयर के लिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट 2 ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 × 10 और 11/10 कितने टाइम लिखेंगे, यहाँ से 2 टाइम, क्योंकि पावर 2 है, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 × 1 = 20, ठीक है, 12,400। 10,000 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2100, ठीक है। ये आपका क्या है, इसमें सी आई है सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लीन द डेब्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर का आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है। आपने इसको क्या फाइंड आउट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें। देखिए कैसे करते हैं, कंपाउंड अमाउंट आपके पास क्या होती है, उसमें पी को माइनस नहीं करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इतना ही है बस आपके पास, यहाँ पर लिखेंगे सी ए, और ये आपके पास क्या हो गया, सी ए, ये आपका आंसर है 12,100, ठीक है। ये आपका पार्ट सी है, थर्ड है। पार्ट फोर में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर। 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो जो हमने अभी फाइंड आउट किया था आपके पास, कितना आया था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, 2100 आया था आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट और फाइंड आउट करना है उसका। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000, 2 ईयर के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10 है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा, 2,000, ठीक है। फोर पार्ट में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपके पास, 2100 माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2,000।
क्या आ जाएगा आपके पास 100, 100 आपके पास इनका डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 पार्ट है वो आपको ऐसे सोल्व करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनकी ट्राई करना। ठीक है, कल हम करवाएंगे 9B। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।